नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम डॉक्टर मॉरिस स्वाम, आप देख रहे हैं मॉरिस स्वाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि काले लिनक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताया था कि आप अपने सिस्टम में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है काले लिनक्स के बेसिक कमांड लाइन, बेसिक कोड्स, बेसिक जो कीवर्ड्स उसमें चलेंगे उसके बारे में हम आपके साथ में आज जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए देखते हैं कौन से है वो कोड लवर्स, कोड लाइन्स, कमांड लाइन्स। मेरे प्यारे दोस्तों, काले लिनक्स में कमांड लाइन में जाने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है। मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने सिस्टम में कमांड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। काली लिनक्स जो है वो बेसिकली कमांड्स पे ही काम करता है। काफ़ी कह सकते हैं कुछ ही चीज़ें हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करती है, लेकिन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स है जो कि अपने कमांड लाइन से ही काम करती है। तो कमांड लाइन ओपन करने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप में यहाँ आपको दिख जाएगा टर्मिनल एम्युलेटर पे क्लिक करने से आपका जो पहला आपका टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल में आपका जो पहला आज का है वो है sudo, 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 जो कि रूट प्रिविलेजेस देने के लिए काम आता है। आपको अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो अगर नॉर्मल इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आप sudo देकर देखिए उसको, कमांड के आगे आप sudo देकर देखिए। तो फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के बाद में आप उसको नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार में ऐसा होता है कि जो यूज़र रहता है उसके पास में इतना प्रिविलेजेस नहीं रहते हैं कि वो चीज़ें को इंस्टॉल कर सके, मैनिपुलेट कर सके, एडिट कर सके, मॉडिफाई कर सके। लेकिन sudo देने से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो सिस्टम है वो उस यूज़र को परमिशन दे देगा कि आप इस सिस्टम के में इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। sudo के लिए sudo के बहुत सारे कोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं sudo h है, sudo k है, sudo लोअर केस के है, sudo अपर केस भी है। एक चीज़ का आप ध्यान देना, काले लिनक्स में केस सेंसिटिव होता है। जो भी आप कमांड देंगे उसमें केस सेंसिटिविटी होना काफ़ी ज़रूरी है। केस सेंसिटिविटी से मेरा मतलब है, अगर बड़ा ए है तो बड़ा ही ए रहेगा, अगर वो छोटा ए है तो वो छोटा ही ए रहेगा। इस टाइप से ए बी सी डी जो कि बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, और जो छोटे हैं वो छोटे ही रहेंगे। साथ ही दूसरे कोड की अगर हम बात करें तो दूसरा कोड है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का यूज़ हम इसलिए कर सकते हैं, cd से पहले हम आपके साथ में ls के बारे में जानकारी देंगे। ls का मतलब है लिस्ट। लिस्ट जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी में, उस डायरेक्टरी की लिस्ट वो आपको बता देगा कि उस डायरेक्टरी में कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है, कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं ls हम टाइप करेंगे। नॉर्मली ls करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूँ उसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियोज है। अब बात आती है cd की, चेंज डायरेक्टरी। cd चेंज डायरेक्टरी करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके लिए आपको नॉर्मली cd टाइप करना है। cd टाइप करके आप जिस भी फोल्डर में जाना चाहें आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं मांगूंगा डाउनलोड्स में जाना चाहूँगा। डाउनलोड्स में जाने के लिए मैं cd टाइप करूंगा। cd के बाद डाउनलोड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बता रहे हैं नो सच फाइल और डायरेक्टरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें जो कमांड्स रहते हैं वो केस सेंसिटिव रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड्स का जो d है वो अपर केस का है, और मैंने जो कोड दिया था उसमें डाउनलोड का जो d है वो लोअर केस का है। इसको हम ठीक कर लेंगे। इसके लिए हम देंगे cd downloads एंटर करेंगे। तो अब ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे डाउनलोड्स की डायरेक्टरी खुल चुकी है। हम डाउनलोड्स को अगर लिस्ट करना चाहे तो आप इसको डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ls फिर से टाइप करेंगे, ये बता देगा कि आपकी फाइल में अगर आपके फोल्डर में कोई फाइल है या कोई दूसरा फोल्डर है तो वो आपको बता देगा कि ये जो लिस्ट आपके सामने बना देगा। अगर कोई फाइल नहीं है तो वो नॉर्मली कुछ नहीं करेगा। उसके बाद में है mkdir
मैक डायरेक्टरी, मैक डायरेक्टरी इसलिए काम आती है अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है। मान लीजिए जैसा कि मैं अभी डाउनलोड्स डायरेक्टरी में हूँ, मुझे डाउनलोड्स में एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम मैं रखूँगा प्राइवेट। उसके लिए मैं सिंपली टाइप करूँगा mkdir प्राइवेट private, मैक डायरेक्टरी प्राइवेट। कुछ नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, लेकिन हम इसको ls टाइप करके अगर लिस्ट करने जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेट नाम का फोल्डर आ चुका है। जैसा कि हमने पहले डाउनलोड में डाउनलोड की डायरेक्टरी में लिस्ट किया था उसमें एक भी कुछ भी नहीं बता रहा था, इसलिए वो नॉर्मली कुछ नहीं दिखाया, लेकिन इस बार उस फोल्डर में प्राइवेट नाम का फोल्डर हमने बनाया है इसलिए वो प्राइवेट दिखा रहा है। उसके बाद में मान लीजिए आपके पास में कोई PHP फाइल है या कोई TXT फाइल है या वर्ड फाइल है या कुछ भी XML फाइल, कुछ भी जो फाइल एडिट हो सके उसको अपन नॉर्मली भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप उसको कमांड लाइन से एडिट करना चाहे तो आप नॉर्मली VI का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं VI का यूज़ किया, VI का देखते ही आपके सामने दूसरी पॉपअप आ चुका है, वो अपना कमांड लाइन अपना इंटरफेस चेंज कर चुका है। इसमें दिखा रहा है VIM वर्जन 8.2.439 बाय ब्रैम मोलनार ETL। ठीक है, अब इसमें हेल्प के लिए हम हेल्प टाइप कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना है इसलिए हम डायरेक्टली इसको एग्जिट करने का क्यू है, क्यू एग्जिट करके हम एंटर मार देंगे। अगर एंटर मारने से कुछ नहीं हो रहा है तो हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से हम कमांड लाइन ओपन करेंगे। कमांड लाइन ओपन करने के बाद जैसे कि हम उस टाइम डाउनलोड्स डायरेक्टरी में थे, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा हम लिस्ट करेंगे डायरेक्टरीज को। ls लिस्ट किया, उसके बाद में हम डाउनलोड्स के फोल्डर में थे, cd चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स में हम डाउनलोड्स में आ गए, फिर हम डायरेक्टरी को लिस्ट करेंगे, इसमें प्राइवेट नाम का फोल्डर है। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कमांड है वो है apt get। apt get इसलिए काम आता है, लिनक्स की जो इनबिल्ट डायरेक्टरी होती है, जो ओपन सोर्स डायरेक्टरी है, उन्होंने उसमें कुछ फाइल्स उन्होंने अपनी तरफ से इंस्टॉल करने के लिए रख रखा है। apt get का यूज़ आप काफ़ी तरह से कर सकते हो। अगर आप अपने सिस्टम में जो भी प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स है जैसे कि पाइथन है, PIP है, और भी जितनी सारी जो मतलब प्री बिल्ट है उसको आप अपडेट करना चाहे तो आप apt get का यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे, हम इसके रूट डायरेक्टरी में फिर से जाएंगे। रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद apt get अपडेट, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिस्ट डायरेक्टरी पार्शियल मिसिंग है क्योंकि परमिशन डिनाइड हो गए। हम इसको अब परमिशन देने के लिए जो हमारा पहला कमांड था sudo, हम उसका यूज करेंगे, sudo apt get अपडेट। इसके बाद ये sudo का पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो बेसिक पासवर्ड है कि ali क्या ले देंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये अपडेट होना चालू हो चुका है। मैं आपको बता दूं जब भी कभी आपको परमिशन डिनाइड एरर कोड 13 या फिर परमिशन डिनाइड का इंटरफेस आपके सामने अगर आ जाए तो आप नॉर्मली sudo से उसको रन कीजिए, वो हो ही जाएगा। चलिए मैं इसको फिर कभी करेंगे क्योंकि अभी टाइम ले लेगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे, फिर से हम कमांड लाइन ओपन करेंगे। कमांड लाइन ओपन करने के बाद में अब एक और चीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि है wget। wget के लिए हम नॉर्मली यह कर सकते हैं, हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में कोई भी फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है GitHub से, आपको कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो आप wget का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी zip फाइल डाउनलोड करनी है तो आप wget का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको GitHub से कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो आप उसके लिए डायरेक्ट git clone का यूज़ कर सकते हैं। उसके
उसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम वर्डप्रेस की साइट पे जाएंगे, वर्डप्रेस की साइट पे जाएंगे। इधर मैं आपको डब्ल्यू गेट के बारे में बताऊंगा कि आप डब्ल्यू गेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए गेट गेट वर्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जिप फाइल में हम वर्डप्रेस को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास में जिप फाइल, हम उसको जिप फाइल से अगर डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हम डब्ल्यू गेट का यूज़ करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली tar.gz की जो लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी लिंक लोकेशन, फिर आ जाएंगे हमारे कमांड लाइन में। कमांड लाइन में आने के बाद हम टाइप करेंगे wget, फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे तो जैसा कि आप मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो, ये अपनी डाउनलोडिंग फाइल्स को अपनी वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड करना चालू कर चुका है। डब्ल्यू गेट का मेनली पर्पज़ यही है कि आपको कोई भी फाइल अगर जिप फाइल में डाउनलोड करनी है, जो जिप फाइल काले लिनक्स सपोर्ट करता है, काले लिनक्स के लिए आपको gz की फाइल है जो कि वो सपोर्ट करती है, वो जिप फाइल भी सपोर्ट करती है, लेकिन gz में अगर हम इसको डाउनलोड करें तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, हम उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 91% हो चुका है क्योंकि मेरे नेट की स्पीड ठीक ठाक ही है और इसकी फाइल काफ़ी छोटी है इसलिए डाउनलोड हो चुका है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हो, मेरा जो मेल आईडी दे रखी है आप उस पर मेल कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।